केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के वाणिज्य भवन में मुंबई से आए महिलाओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इसको लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर मुंबई से महिला कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल गुरु पूर्णिमा पर मथुरा घूमने आया था। इसके बाद वो दिल्ली आए और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुए विकास को देखकर आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने ट्रेन से यात्रा की और स्टेशनों के विकास को भी देखा। उन्हें अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। सभी हमारे उत्तर मुंबई की कार्यकर्ता महिलाएं बहनें करीब करीब 100 बहनें मथुरा गई थी गुरु पूर्णिमा के दिन वहाँ पे दर्शन करने के लिए। उसके बाद दिल्ली आई हैं और आश्चर्यचकित हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कायाकल्प हुआ है व्यवस्थाओं का। ट्रेन से आई, उन्होंने ट्रेन का अनुभव किया, रास्ते में सफाई देखी, स्टेशनों का अनुभव किया, खाने पीने के सुधार का अनुभव किया। मथुरा में जो परिवर्तन हमारी वहाँ के सांसद हेमा मालिनी जी, वहाँ की उत्तर प्रदेश की सरकार के कामों से वहाँ पे जो अलग अलग प्रकार की योजनाएं हुए हैं वो देखने को उनको मौका मिला। अब दिल्ली आई हैं, दिल्ली में उन्होंने इंडिया गेट देखा है, आज देखा कि नई सरकारी दफ्तरों में क्या कायाकल्प किया जा रहा है। इसके बाद अभी गए हैं वॉर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल देखने, फिर जाएंगे प्रधानमंत्री संग्रहालय, भाजपा कार्यालय, जहां वो कोशिश कर रहे हैं हमारे देश की लॉन्गेस्ट सर्विंग वित्त मंत्री, और वो भी महिला वित्त मंत्री, पहली महिला वित्त मंत्री, और जिन्होंने 7 बजट्स पेश किए हैं, ऐसी हमारी बहन निर्मला सीतारमन जी के आज बजट की बधाई देने के लिए भी बड़ा उत्सुक है। तो उनको एक नया अनुभव रहा कि भारत कैसे बदल रहा है, और उसी मूड में यहाँ पे भी आई थी, बड़ा प्रसन्न होकर।